वेलकम टू ऑल ऑफ यू ए एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के इस लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है म्यू टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। म्यू टेस्ट हम अप्लाई करके जो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हमें फोकस करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टेस्ट है, रिजल्ट है, जिसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई कब करते हैं? जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल अलजेब्रिक फॉर्म में होता है तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए इसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं। बिफोर वा दिस माई वीडियोज मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टेटमेंट पर थोड़ा इसके बात कर लें, फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट एफ एक्स बी बाउंडेड, सबसे पहला बाउंडेड होना चाहिए। एन इंटीग्रेबल इन इंटरवल ए टू इनफाइनाइट, ए इज क्लोज एंड इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे जो ओपन है ये सिंबल ओपन का है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरवल को हमेशा ध्यान, और ए टू इनफाइनाइट इस तरह से भी रीअरेंज, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। इस सिंबल का मतलब इस तरह से है कि ए लेस देन आर इक्वल टू एस लेस देन इनफाइनाइट, या फिर एक इंटीग्रेबल मतलब एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे उनके बिटवीन या इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, देन ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा कन्वर्जेंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू ग्रेटर देन वन सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स पावर म्यू एफ एक्स इज फाइनाइट एंड यूनिक। ठीक है, ये फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए जब हम एक्स पावर म्यू एफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। म्यू कैसे फाइंड करेंगे हम आगे अभी बात इस पर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंट की कंडीशंस क्या है इसकी बात करते हैं। ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू लेस देन आर इक्वल टू वन सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स पावर म्यू एफ एक्स इज एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो या फिर अप टू इनफाइनाइट, अगर मिले तो कंडीशन हम डाइवर्जेंट की होगी, बट यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि म्यू लेस देन आर इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम म्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये म्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड द म्यू, म्यू इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, ध्यान रखिएगा हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये म्यू की वैल्यू होती है, इस तरह से म्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर वन ये दिया हुआ है, इसके फोकस आउट में हम लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, आई इज इक्वल टू दिया है वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन एक्स के पावर वन बाई थ्री एंड वन प्लस एक्स के पावर वन बाई टू डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पर एफ एक्स की बारी है, एफ एक्स को हमें फाइंड करना है। तो दिस इज द फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमारा होगा यही है आपका, इससे आप चाहे तो कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो यही हमारा है एफ एक्स। तो एफ एक्स के बारे में हमें ये पता चल गया कि हमारा है क्या एक्चुअल में, एक्स के पावर वन बाई थ्री एंड वन प्लस एक्स के पावर वन बाई टू, ये एफ एक्स है। अब इसी से हमें म्यू को भी कलेक्ट करना है, तो जो क्वेश्चन है उसी में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब ध्यान रखें एक्स के पावर वन बाई थ्री और इसमें से एक्स के पावर वन बाई टू को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन। ठीक, अब आगे इन दोनों को सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स के पावर फाइव बाई सिक्स वन प्लस रूट एक्स प्लस वन, दिस इज द एफ एक्स। अब म्यू की बात करनी है, म्यू म्यू इज इक्वल टू है आपका हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर इन न्यूमिनेटर। ठीक, तो हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर क्या है आपका, ये रहा फाइव बाई सिक्स, तो फाइव अपॉन सिक्स ये वाला पावर जो है फाइव बाई सिक्स, और कुछ इसके पावर नहीं है मतलब जीरो है,
तो माइनस जीरो, तो दैट इज द 5/6, म्यू की वैल्यू हमें मिल गई 5/6। तो पहली कंडीशन जो कि अब ये लेस देन वन है, बट इस पर हम बाद में अभी आगे फोकस करेंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है ये कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स के पावर म्यू एफ एक्स जो होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा। तो आइए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, म्यू 5/6 है तो एक्स के पावर 5/6, और एफ एक्स हमारे पास है एक्स के पावर 5/6 1/√x + 1, ठीक, कि कैंसिल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/√x + 1, और व्हेन अप्लाई लिमिट, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, देन वी गेट 1 1। तो पहला काम तो ये हो गया कि फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी कह सकते हैं आप, एग्जिस्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है। बट म्यू जो है ना, म्यू इज इक्वल टू 5/6 है जो कि लेस देन 1 है, और ये किसकी कंडीशन होल्ड करता है, जब अगर लेस देन 1 हो तो ये डाइवर्जेंट की कंडीशंस को होल्ड करता है जो हमने ऊपर बात किया था। तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो हमारे पास इंटीग्रल इम्प्रॉपर है 1 to ∞ 1/(x^(1/3, x^(1/2) + 1 dx इज डाइवर्जेंट, ठीक, सो दैट इज द क्लियर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने ये चेक कर लिया कि दैट इज अ डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चंस पे आ जाएंगे कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चंस है, तो रूल्स क्लियर है यहाँ पर, म्यू लेस देन है तो दिस इज द फाइन एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो हो तो डाइवर्जेंट मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमारे पास है क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 इज अ बेसिक क्वेश्चन है, फिर से 1 to ∞ है, x²a² + x² का होल क्यूब। आइए देखते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो 2 है उसकी बात करते हैं। i इज इक्वल टू दिया है 1 to ∞, ठीक है, x²a² + x²q dx, ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चन सही से लिखना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हमें फोकस मेन करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स कि हमें एफ एक्स को फाइंड करना, तो एफ एक्स और म्यू को फाइंड करना। तो एफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ से मिल जाएगा a² + x² ( 3। अब डिनोमेटर से पहले हाईएस्ट पावर को कलेक्ट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर है वहाँ से क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन जब डिनोमेटर से इस एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा x^(6), और ये आपका हो जाएगा a² + x² + 1 ( 3), ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x^(4) ये 4 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर a² / x² + 1 ( 3), ठीक, f(x). अब म्यू की बात करनी है, म्यू क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, ठीक, ये न्यूमरेटर्स की बात होगी। तो अब हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर हमारे पास कितना है, ये 6 है, यहाँ पे 6 हो गया, पावर न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, तो दिस इज द 4, ठीक। पहला कंडीशन म्यू फाइंड आउट हो गया, जो कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब आते हैं अगला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट x^(μf(x) की वैल्यू को फाइंड करना। तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स के पावर 4 वन अपॉन एक्स के पावर 4 ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। ठीक, कैंसल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। और अप्लाई लिमिट, जैसे अप्लाई लिमिट करेंगे तो वी गेट 1, जो कि फाइनाइट एंड यूनिक है। ठीक है, फाइनाइट एंड यूनिक मिल गया, दैट इज द 1। तो फाइनाइट एंड यूनिक 1 ही मिला है, इट मींस ये क्या हो गया। और म्यू के बारे में हमें क्या पता चला, ग्रेटर देन 1 है, तो ये कंडीशंस कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट हो जाएगा आपका रिजल्ट। देखिए क्यों, ऊपर जो हमने हमारा जो स्टेटमेंट है कन्वर्जेंट का उस पर देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा लिखा है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू ग्रेटर देन 1 सच दैट एक्स पावर म्यू एफ एक्स इज फाइनाइट एंड यूनिक, तो हम कहेंगे कि यह कन्वर्जेंट होगा, इंटीग्रल। तो सिंपल सा हो गया यहाँ पे कन्वर्जेंट। तो स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है और कुछ नहीं है इसमें, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट टास्क कि हियर 1 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर जो कि हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसकी बात हमें करनी है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको कि हम यहाँ पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स एंड 1 प्लस एक्स इज 1 टू इनफाइनाइट dx। प्रोसेस सेम, इसी प्रोसेस पे हमें फोकस आउट करना है। तो चलिए डिवाइड 2 पार्ट में कर दिया। तो सबसे पहला है एफ एक्स, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ये है अपॉन रूट एक्स एंड इज 1 प्लस एक्स। ठीक, अब इसमें से पहले x को कॉमन कर लीजिए, 1 अपॉन ये x के पावर 1/2 है, x कॉमन होगा तो 1/x प्लस 1 मिलेगा। ठीक, पावर 1 सिंप्लीफाई कर लीजिए, x के पावर 3/2 एंड 1/x प्लस 1। ठीक, अब म्यू, तो म्यू कैसे फाइंड आउट होगा इसके बारे में आपको बात करनी है कि म्यू कैसे फाइंड आउट हो। हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर्स, तो हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर्स आपका यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि न्यूमिनेटर में 1 है, तो एक्स के पावर मतलब 0 है, दिस इज द 3/2 माइनस 0, 3/2 ग्रेटर देन 1। ठीक, पहली कंडीशंस हो गई कि म्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमें चेक करना है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स के पावर म्यू एफ एक्स हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें वर्कआउट यहाँ पे करना है। चलिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू म्यू, सॉरी एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट नॉट म्यू, इनफाइनाइट एक्स के पावर म्यू, तो एक्स पावर म्यू कितना हमारे पास है 3/2, और एफ एक्स कितना हमारे पास है ये 1 अपॉन एक्स के पावर 3/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1। कैंसल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x प्लस 1, सो दैट इज द 1। ये भी हो गया हमारा, फाइनाइट मिल गया एंड यूनिक मिल गया। तो फाइनाइट एंड यूनिक म्यू ग्रेटर देन 1। ठीक, सो कन्वर्जन, कन्वर्जन की कंडीशन यहां पर होल्ड हो गई, तो मतलब 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन रूट एक्स 1 प्लस
वन प्लस एक्स, ठीक है, डी एक्स इज कन्वर्जन, ठीक, ये कन्वर्जन मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। अब फोर एंड फाइव की बात हम करते हैं, ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव की बात कर लें। फोर देखिए, यहाँ से फोर एंड फाइव की बात हम करेंगे, तो इन जनरल आपके पास फोर है को मैं करना हो करूँगा, बाकी आप ए टू इनफाइनाइट है, एक्स के पावर वन बाई टू है, और दिस इज एक्स के पावर फोर माइनस 49 अंडर रूट डी एक्स, ठीक। फोर, अब फिर से टास्क वही है हमारा, म्यू फाइंड करना, फिर आगे के रिजल्ट को फोकस करना। तो आइए देखते हैं, तो पहला एफ एक्स, एफ एक्स को फाइंड करना, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है एक्स पावर वन बाई टू, एंड दिस इज एक्स के पावर फोर माइनस 49 एंड पावर वन बाई टू, ठीक। तो अब डिनोमीटर से x के पावर 4 को कॉमन करिए, तो जैसे x के पावर 4 जो है इसको कॉमन करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ से पावर है तो मिलेगा क्या सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 माइनस 49 अपॉन एक्स के पावर 4 रेस्ट पावर 1 बाई टू, दैट इज एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब ये टू डिनोमीटर में इसको लेके आएंगे तो हो जाएगा टू माइनस वन बाई टू, थ्री बाई टू, एक्स के पावर थ्री बाई टू, वन माइनस 49 अपॉन एक्स के पावर फोर वन बाई टू। सॉरी, अब हमें म्यू को फाइंड करना है, म्यू हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर्स, तो हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर इज 2 माइनस हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स 1 बाई टू इज इक्वल टू दिस इज 3 बाई टू, ठीक है, हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर इज इज ग्रेटर देन 1, ठीक, 3 बाई टू हो गया ग्रेटर देन 1। अब लिमिट वाली कंडीशंस को हमें होल्ड करके देखना है कि जो ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स के पावर म्यू एफ एक्स, देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स के पावर थ्री बाई टू, और फिर ये आपके पास रिजल्ट है वन अपॉन एफ एक्स, एक्स के पावर थ्री बाई टू, ये रहा आपका एफ एक्स, वन माइनस 49 अपॉन एक्स के पावर फोर रेस्ट पावर थ्री बाई 1 बाई टू, ये कैंसल, बचा क्या, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, फाइनाइट है एंड यूनिक भी है, ठीक है, एंड म्यू इज इक्वल टू 3 बाई 2 है ग्रेटर देन 1, इट मींस कन्वर्जन, ठीक है, ये कन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो गई। तो कह सकते हैं कि आप ए टू इनफाइनाइट एक्स के पावर 1 बाई 2 एक्स के पावर फोर माइनस 49 डी एक्स इज कन्वर्जन, ठीक, ये कन्वर्जेंट हो गया। तो बेसिक रिजल्ट था हमारा जिसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, बस अब इस क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर लेते हैं। फाइव आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, बट बता दे रहा हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए वन बाई थ्री, यहाँ से एक्स को कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स के पावर 1 बाई थ्री और एक्स के पावर 1 बाई टू, और पावर जोड़ देंगे तो एक्स के पावर हो जाएगा 5 बाई 6, और 5 बाई 6 होता है लेस देन 1, तो इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जन की कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाए।